डियर फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस थर्ड पार्ट ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर यूनिट। इस यूनिट में मैंने आपको पहले दो पार्ट में आपको एटॉमिक मॉडल्स, डी ब्रोगली इक्वेशन, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के बारे में बात कर चुका हूं। अब मैं इस यूनिट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उन सुरूल पे बात करने वाला हूं, और भी कुछ टॉपिक्स अभी आने वाले हैं उन पे बात करते हैं। तो हमने क्या कहा, हमने क्या कहा था, जब आप किसी एटम में किसी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हो, जो कि ओबाउ ने समझाया था। पहले मैं ओबाउ रूल आपको क्लियर कर दूं, उसके बाद इस पर बात करता हूं। तो ओबाउ रूल ने कुछ नहीं कहा था, ओबाउ ने कहा कि आप किसी भी एलिमेंट का, जब आप एलिमेंट्स में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन इलेक्ट्रॉन को आप कॉन्फिग्रेट करते हो ऑर्बिटल्स में, sp(d)f ऑर्बिटल में, तो जब कभी भी इलेक्ट्रॉन का कॉन्फिग्रेशन किया जाता है तो हमेशा लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल की तरफ इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करी जाती है। और लोअर एनर्जी लेवल और हायर एनर्जी लेवल, तो आपको एनर्जी का लेवल किस तरीके से पता चल पाता है, कि आपको एनर्जी लेवल कैसे जान पाते हो, तो आपको लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल पर आपको इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है। इन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन ऑफ द एलिमेंट द इलेक्ट्रॉन यू शुड बी फिल फर्स्ट इन द लोअर एनर्जी लेवल एंड देन द हायर एनर्जी लेवल सीक्वेंसली। तो आपको ये पता होना चाहिए किसकी एनर्जी कम है और किसकी एनर्जी ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन को किसी ऑर्बिटल के अंदर निम्नतम ऊर्जा स्तर से उच्चतम ऊर्जा स्तर में भरा जाता है, तो उसे याद रखने के लिए आपको 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 इस तरीके से भरते हैं। फिर 3d10, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10, 6s, इस तरीके से आप इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं। तो इसके बाद क्या होता है कि जब आपको इतना, तो आपको बचपन से ध्यान रहता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, और उसके बाद पता नहीं, और यही सब चल रहा होता है। तो उसे पता नहीं को सिंपली पीटी वे में याद रखने के लिए आप इस तरीके से ध्यान रख सकते हो, DPS, DPS, FDPS और FDPS, DPS, DPS, FDPS, FDPS। 4s के बाद 3 में जाते हैं, तो 3, 4, 5, अब 3D हो गया, तो अब D वाला जो स्टार्ट होगा वो 4 से स्टार्ट होगा, 4, 5, 6। F के दो ही लेवल होते हैं, लेंथ नॉट एक्टोनाइट, 4F और 5F, तो 4F से स्टार्ट होता है, 4, 5, 6 और 7 और 5, 4F हो गया तो 5F, 6, 7 और 8। इस तरीके से आप इस तरीके के ऑर्बिटल एनर्जी लेवल आप अरेंज कर सकते हो। तो लोअर एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल को ट्रिकी वे में आपको याद रखने का तरीका सिंपली ये होता है। बुक्स में इस तरीके का भी बनाता है डायग्राम, तो उसे कॉम्प्लिकेटेड से अच्छा है कि आप सिंपली उसे याद रख सकते हो। तो लोअर एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल को अरेंजमेंट ट्रिकी वे में इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हैं। और जब आप इसे ध्यान रखते हैं तो आपको पता है एस में एक ऑर्बिटल होता है, पी की 3 ऑर्बिटल होती है, डी की 5 ऑर्बिटल होती है और एफ की 7 ऑर्बिटल होती है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऑर्बिटल होती है, और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो पी में 6 आ सकते हैं, डी में 10 आ सकते हैं और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आप फिल कर सकते हैं, और इसी के बेसिस पर आप यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कर सकते हैं। इसी पे मैं एक एग्जांपल में बात करूँ, सपोज मैं ज़ीनॉन का एक एग्जांपल ले लेता हूँ, ज़ीनॉन 54 एटॉमिक नंबर होता है, और 54 एटॉमिक नंबर है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करना है, तो आप करेंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, मतलब फिर ऐसे याद कर सकते हैं DPS, DPS, FDPS और FDPS, जरूरत पड़ेगी तो देखेंगे 3, 4, 5, 6, 7 इस तरीके से। तो 3d10, 4p6, 5s2, 4d10, 5p6, 6s2 इस तरीके से आप इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कर सकते हैं, क्योंकि पी में मैक्सिमम 6 आ सकते हैं। देख लेते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन आप भर चुके हैं, यहाँ तक 4s2 तक 20 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए हैं, भरोसा ना हो तो आप देख सकते हैं 2, 2, 4, 6, 10, 12, 18, 19, 20 इलेक्ट्रॉन हो गए, 20 और 10, 30, 36, 38, 48, 48 और 654, तो 5p6 में ही भर गए, तो इनकी जरूरत नहीं थी, बनाते या नहीं बनाते कोई फर्क नहीं पड़ता 5p6। अब अगर इसका एटॉमिक नंबर 53 आईडी होता, 53 वाला होता, तो आपको पता है कि मैं मैक्सिमम 6 भर सकते हैं, तो यहाँ पे 5 हो जाता। 52 वाला होता तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन कम, 5p4 लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में जा रहा, तो ये पी ब्लॉक का एलिमेंट ही है, 18 ग्रुप एलिमेंट है, पी ब्लॉक का एलिमेंट ही है, लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में जा रहा। तो इस तरीके से ओबाउ ने
लोअर एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल पर इलेक्ट्रॉन की फिलिंग को एक्सप्लेन किया था। ये वाला शायद मैंने पहले भी से एक्सप्लेन कर चुका हूँ एक बार किसी सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी मैं ये टॉपिक डिस्कस कर चुका हूँ। तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लेना और याद रख लेना, समझ लेना ऑफ बाउ। तो वो आपको ऑफ बाउ बना रूल तो समझ आ गया होगा। हम बात करते हैं हुन स्कूल पर। तो हुन ने ये बोला था कि जब आप किसी एलिमेंट का किसी ऑर्बिटल के अंदर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हो तो आप इलेक्ट्रॉन को सिंगली फिल करते हो, जब तक वहाँ पर सिंगली हाफ फिल्ड ना भर जाए ऑर्बिटल तब तक आप इलेक्ट्रॉन की फिलिंग इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं कराएंगे। जैसे 1s1 हाइड्रोजन हीलियम है 1s2, यहाँ पर तो मतलब ही नहीं। लिथियम है 1s2 2s1 और बेरिलियम है 1s2 2s2, बोरॉन है 1s2 2s2 2p1, यहाँ तक तो घुंडूल का वैसे भी कोई मतलब नहीं है। 1s2 2s2 2p2, यहाँ से घुंडूल लगना स्टार्ट हो जाएगा। नाइट्रोजन की बात करें तो 1s2 2s2 2p3। अगर हम यहाँ पर इसके एक ऑर्बिटल बनता है तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी आपके पास एक ही ऑर्बिटल है, दो इलेक्ट्रॉन भरने को ऐसे ही भर सकते हैं। 1s2 1s में पहले 2 भरे, इस पहला ऑर्बिटल ऑर्बिट जब भर गया पहला ऑर्बिट भर जाएगा तो तब आप सेकंड वाले में जा रहे हैं। तो ये भर गया तो फिर 2s में भर, फिर इसी तरीके से 1s2 2s2। यहाँ पर इस रूल का कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर भी इसका कोई मतलब नहीं है। 1s2 2s2 बैलेंस के 2s 2p सेकंड ऑर्बिट वाले आप सिर्फ 2s को शो कर सकते हैं। 2s2 और 2p में एक इलेक्ट्रॉन है। अगर मैं इसकी बात करूँ तो 2s में 2 है और 2p में आपके 2 है, और 2s में देखें और 2p में कितने हैं 3। तो आपने जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करी तो आपने फिलिंग इस तरीके से नहीं करी, आपने फिलिंग एक एक करके करी। तो ये हुन रूल बस यही कहता है कि जब आप किसी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की फिल करते हो तो किसी ऑर्बिटल जैसे p ऑर्बिटल में आप फिल करते हो तो आप पहले पेयरिंग नहीं कराते। पेयरिंग तब तक नहीं होती जब तक आपके पास हाफ फिल्ड ना भर जाए। हाफ फिल्ड मतलब अगर इसमें 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, अगर इसमें 3 भर जाएंगे तो तब जाकर के कहीं हाफ फिल्ड हो सकता है। जैसे यहाँ होगा 1s2 2s2 और 2p4, 1s2 2s2 और 2p4। तो 2s में है 2 और 2p में 4 है, तो अब आपको 4 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। तो 1 2 3, अब ये हाफ फिल्ड हो गया तो अब पेयरिंग होना स्टार्ट होता है। तो बस सिंपली इसमें यही था। और इसे हुन रूल फॉर, पूरा नाम इसका ये होता है हुन रूल फॉर मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। इस बात को भी मैं आपको क्लियर करता हूँ, मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी इस बात का क्या मतलब है। एक एग्जांपल लेके चलते हैं इसका, या कार्बन वाले को पकड़ के चलते हैं। कार्बन वाले में आपने देखा कि 1s2 2s2 और 2p2 था, तो आपने इसे इस तरीके से फिल किया, ना कि इस तरीके से। क्योंकि आप यहाँ पर देखो तो यहाँ पे वैलेंस वालों की बात करें तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालने का फॉर्मूला होता है 2s+1, जहाँ पर s स्पिन क्वांटम नंबर होता है। तो इस इलेक्ट्रॉन का हाफ इसका -1, तो हाफ -1 तो 0, इसका हाफ और इसका भी हाफ, हाफ और हाफ हो गया 1, और अगर हाफ और हाफ 1 हो गया तो इसकी जगह 1 लगाओगे तो 2 × 2+1, तो मल्टीप्लिसिटी आ गई 3, ट्रिपलेट आ गया। अगर आप इस तरीके से भरते जो कि गलत तरीका है, अगर आप ऐसे भरते तो हाफ -1 0, हाफ -1 0, तो s की जो टोटल वैल्यू आती हाफ -1 + हाफ -1 वो सब कुछ 0 आ जाता। तो अगर मैं इसके लिए इस केस में मल्टीप्लिसिटी निकालता तो 2s+1 करता तो 2 × 0+1 जो कि 1 आता, तो इसका मतलब 1 का मतलब सिंगलेट आता है। तो इन दोनों ही केस में मल्टीप्लिसिटी मैक्सिमम जो आ रही है वो यहाँ आ रही है। मैक्सिमम तब आएगी जितने ज़्यादा अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी ज़्यादा मल्टीप्लिसिटी आएगी, जितने अनपेयर होते हैं उससे एक ज़्यादा ही आती है। जैसे यहाँ 2 हैं तो यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे 1 भी अनपेयर नहीं है तो उससे एक ज़्यादा, एक आ गया। तो मल्टीप्लिसिटी नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन जितने ज़्यादा होंगे उस पर डिपेंड करता है, और अनपेयर इलेक्ट्रॉन तब ज़्यादा होंगे जब आपके पास पेयरिंग नहीं होगी, आप सिंगल सिंगल भरेंगे। तो मैंने यहाँ पर ये दो टॉपिक कवर किए हैं, ऑब्बा और हुन रूल को मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। मैं यहाँ पर एक और टॉपिक हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बताने वाला हूँ। हम बात करते हैं नए टॉपिक पर, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, पहले तो इस टर्म को समझना पड़ेगा। अनसर्टेनिटी मतलब सर्टेन, निश्चित नहीं है जो चीज, वो अनसर्टेनिटी है। हाइजेनबर्ग का मतलब वो साइंटिस्ट का नाम है और उन्होंने एक सिद्धांत दिया जिसे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहते हैं।
मैंने डी ब्रॉगलीज इक्वेशन जब आपको सेकंड पार्ट में एक्सप्लेन किया था, तो मैंने आपको वहां बोला था क्वांटम मैकेनिकल पार्टिकल इलेक्ट्रॉन जैसा पार्टिकल वो पार्टिकल की तरह भी बिहेव करता है और वेव की तरह भी बिहेव करता है। तो उनके ऐसे ड्यूअल बिहेवियर की वजह से उनमें दो प्रॉपर्टीज आती हैं, एक तो है आपकी मोमेंटम और एक होती है आपकी पोजिशन। तो इन दो पॉइंट को लेकर के इन्होंने बात करी थी। तो इन्होंने ये बोला कि किसी न्यूक्लियस के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन या क्वांटम मैकेनिकल पार्टिकल मूव करता है या न्यूक्लियस ही मूव करता है या प्रोटॉन मूव करते हैं, तो क्वांटम मैकेनिकल पार्टिकल जनरली हम इलेक्ट्रॉन को मानते हुए चलते हैं, अगर वो मूव करते हैं तो उसके मूवमेंट करने पर उसकी पोजिशन और उसका मोमेंटम दो चीज मैटर करती है, और दोनों को एक ही टाइम पर एक साथ एग्जैक्टली एक्यूरेटली एक ही टाइम पर मेजर नहीं किया जा सकता। अगर मैं किसी समय पर किसी क्वांटम मैकेनिकल पार्टिकल की पोजीशन को मैं बताता हूँ तो उसी समय उसका मोमेंटम चेंज हो जाएगा, और अगर उसी टाइम पर मैं उसके मोमेंटम को बताऊँगा तो उसी टाइम पर उसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी, क्योंकि वो फिक्स वैल्यू में मूव कर रहा है, मूवमेंट करने से ही मोमेंटम आता है। और आपके पास ये दोनों चीज़ों एक दूसरे के साथ मतलब आप दोनों चीज़ों को एक ही टाइम पर एक्यूरेटली सर्टेनली एक साथ कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए इसे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी कहते हैं। तो अगर इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से है कि अगर आपके पास किसी पार्टिकल की पोजीशन में अनसर्टेनिटी को डेल एक्स से रिप्रेजेंट करो, क्योंकि जनरली हम एक्स वाई जेड लेटर यूज करते हैं, तो अगर आपने उसकी पोजीशन में अनसर्टेनिटी को डेल एक्स से और उसके मोमेंटम में अनसर्टेनिटी को डेल पी से रिप्रेजेंट करें, तो ये जो आंसर ये जो मल्टीप्लाई करने के आता है वो एच अपॉन फोर पाई से बड़ा या उसके बराबर होता है। कुछ बुक्स में यहाँ पे टू पाई भी लिखा रहता है, वो भी गलत नहीं है, वो भी सही है, और ग्रेटर देन और इक्वल टू होता है। अगर ये बिल्कुल इक्वल आता तो बिल्कुल आपके पास एग्जैक्ट आंसर आता, लेकिन एग्जैक्ट आंसर नहीं आता, इसीलिए इनइक्वालिटी के साइन से रिप्रेजेंट किया जाता है, और यही इस आंसर डिग्री को भी बताता है। हाँ, न्यूमेरिकल करते समय हम इसे इक्वल लिख करके सॉल्व कर लेते हैं, वो अलग बात है। और डेलेक्स मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एम बी m into b, तो यहाँ पर मास तो फिक्स ही होगा बॉडी का, मास तो कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन m into del b से हम रिप्रेजेंट करते हैं, और ये आ जाएगा आपके पास greater than equal to h upon 4 pi। तो ये आपके पास इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है, तो आप इसे ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो और ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। एक पॉइंट या एक टॉपिक और है जो इम्पोर्टेंट है, इस पर बात करनी है हमें, वो है आपके पास पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल से पहले हमें क्वांटम नंबर समझने पड़ेंगे, जो कि अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है, उस पर हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, नहीं तो वीडियो हमारी थोड़ी बड़ी हो जाएगी। और फिलहाल तब तक के लिए जीरो अपनी जिंदगी, नेक्स्ट वीडियो में पेंगे आप लोगों का खून। हैव अ गुड डे, गुड बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।